अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से वेरी स्पाइसी फ्राइड चिकन रेसिपी, डैट इज़ कोरियन फ्राइड चिकन। बहुत मज़े का बनता है, थोड़ा सा रेगुलर चिकन से डिफरेंट बनता है। चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ 4 चिकन लेग पीस लिए हैं और इसको मैं फोर्क की मदद से अच्छे से प्रिक कर लूँगी, क्योंकि लेग पीस सबसे टफ पार्ट होता है जो कि फ्राई होने में टाइम लेता है। आप दूसरा विंग्स या नॉर्मल ब्रेस्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड की है, क्रश ले लें या पाउडर फॉर्म में ले लें, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर जस्ट फॉर द टेस्ट, और 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में ले रही हूँ और 3 टेबलस्पून ही मैदा मैंने इसमें डाला है। और अब हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और 1 अंडा हम लेंगे और इसको पहले हाफ अंडा डाल के पहले मिक्स कर लेंगे और बाकी का हाफ भी हम बाद में डाल देंगे। चाहे तो इकट्ठा ही एक साथ ही डाल दें, लेकिन बड़े साइज़ का अंडा है ये हमने डाल दिया। अब हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है कि हर तरफ से जो लेग पीस है उनको कोटिंग अच्छे से मिल जाए। इस तरह से हमने एक कोटिंग कर ली। अब हम इसको आधा घंटा रख देंगे। आधा घंटे के बाद हमने इसको फ्राई करेंगे। आप चाहे तो ओवरनाइट भी इसको मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं फ्रिज में, या 1 से 6 घंटे तक भी रख सकते हैं। ऑयल मीडियम फ्लेम पे हमने गरम किया था और हमने इसमें अब चिकन पीसेस को डाल दिए। मीडियम फ्लेम पे ही ये पकेंगे। 8 से 10 मिनट जो है हम इसको पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छे से पकेंगे, क्योंकि हमने जब इसमें प्रिक किया हुआ है उसकी वजह से भी अंदर तक जो लेग पीस है वो गल जाएगा। मिनिमम ये 10 मिनट लेंगे गलने के लिए। जितना बड़ा लेग पीस होगा उतना टाइम थोड़ा ज़्यादा लेगा, छोटे लेग पीस ज़रा जल्दी फ्राई हो जाते हैं। ये देखें, सब तरफ से अच्छे से 10 मिनट के अंदर ये हमने फ्राई कर लिए। ये फर्स्ट फ्राइंग हमारी है। कोरियन चिकन जो है इसमें डबल फ्राई होता है, क्योंकि इसको जो है ज़्यादा क्रंची बनाने के लिए। ये भी इस टाइम भी बहुत क्रंची है। अब हम सेकेंड वाला जो लेग पीस थे हमारे बाकी के 2, वो भी फ्राई करेंगे। जब तक यहाँ पे चिकन के पीसेस बाकी के फ्राई हो रहे हैं, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ कितना ये क्रिस्पी बना हुआ है। इसी तरह से हमने इसको डबल फ्राई जब करेंगे तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी बन जाएगा। जब तक वो लेग पीस थोड़ा ठंडा होंगे, जब थोड़ा सा 5 मिनट ठंडा होने में लेंगे और उसके बाद हम इसको दोबारा फ्राई करेंगे। ये बाकी के भी हमने फ्राई कर लिए। मीनवाइल हम सॉस रेडी कर लेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें मिंस किया हुआ यानी कि बारीक कट किया हुआ हमने लहसुन 1 टेबलस्पून डाला। हल्का सा गोल्डन हो जाएगा तो अब हम इसमें 1/4 कप हम मैंने इसमें चिली टमाटो सॉस डाला है। चिली टमाटो सॉस इसलिए डाला है क्योंकि ये स्पाइसी होता है, और अगर आपके पास रेगुलर टमाटो केचप है तो वो डालें, और साथ 1 टेबलस्पून शेजवान अगर आपके पास सॉस है तो वो डालें। बेसिकली इसमें स्पाइस का लेवल ज़रा हाई होता है। अब 1 टेबलस्पून मैंने इसमें हॉट सॉस डाली या चिली सॉस आप डाल लें, और 1 टीस्पून इसमें मैंने वाइट वेनेगर डाला है। ओरिजिनली इसमें चिली पेस्ट का यूज़ होता है, जो कि कश्मीरी लाल मिर्चों को अक्सर घरों में धूप में सुखा के ड्राई करके और इसमें जो है लहसुन अदरक को ऐड करके उसका पेस्ट बनाया जाता है। उससे बहुत ही मज़े का ये बनता है। 1 टीस्पून मैंने इसमें सोया सॉस, 1 टेबलस्पून शुगर और पिंच ऑफ सॉल्ट यानी कि चुटकी बराबर मैंने इसमें नमक डाला है, क्योंकि ऑलरेडी सॉसेस में नमक होता है तो इसलिए ये पॉइंट पर आपने नमक बहुत कम डालना है ताकि आपका जो है वो ज़्यादा सॉल्टी ना बन जाए। 1 मिनट हल्की आंच पे इसको पकने देंगे। मीनवाइल हम अपने चिकन को दोबारा से फ्राई करेंगे। इसने 5 से 10 मिनट के अंदर हमने इसको छोड़ा था ताकि ठंडा हो जाए, और दोबारा से हम इसको रीफ्राई जब करें तो हम इसको और ज़्यादा क्रिस्पी बना सकें। इस तरह से हमने इसको दोबारा से 6 मिनट्स तक फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हमने इसको फ्राई करना है, और इस तरह बाकी के चिकन को भी हम फ्राई कर लेंगे। जब चिकन हमारा डायरेक्ट फ्राई हो जाएगा तो इसको हम डायरेक्टली सॉस में ऐड कर देंगे। सॉस हमारी रेडी है, कोई मैंने पानी का यूज़ नहीं किया। अब इसमें हमने चिकन डालना है और इसको कोट करना है। कोई हमने इसको सॉसी चिकन नहीं बनाना, ये कोट के साथ बनाएंगे हम। जस्ट उतनी सॉस हमने बनानी कि जो ईजीली कोट हो जाए हमारे चिकन के ऊपर। ये देखिए ज़बरदस्त है, हमारे जो चिकन लेग पीसेज हैं ये अच्छे से सॉस के साथ कोट हो चुके हैं। अब इसके ऊपर सफ़ेद तिल हम डालेंगे 1 टीस्पून के इक्वल, और इसको दोबारा से हल्का सा मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। सो व्यूअर्स, ज़बरदस्त कोरियन फ्राइड चिकन रेडी है। रेगुलर चिकन से डिफरेंट बनता है, हमारे देसी रेगुलर चिकन जो फ्राइड चिकन होते हैं उनसे इंटायरली डिफरेंट है। आप भी रेसिपी को ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें, इससे मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा, और ऐसा करना फ्री है। थैंक यू।